खबर उज्जैन से। धनतेरस के पावन पर्व पर सबके कल्याण और सुख समृद्धि हेतु महाकालेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर श्री नीरज सिंह पूजन में हुए शामिल। हर साल के अनुसार इस साल भी धनतेरस के पावन पर्व पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित समिति द्वारा आरोग्य और सबके कल्याण और सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान श्री महाकाल से प्रार्थना हेतु मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने भगवान श्री महाकालेश्वर जी का पूजा अर्चना किया। इस दौरान पूजन में पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाखड़ जी सम्मिलित हुए। पूजा अर्चना श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित समिति के अध्यक्ष श्री लोकेंद्र व्यास सहित पुरोहित सर्वश्री पंडित भूषण व्यास, पंडित विश्वास करहाड़कर, श्री नीरज शर्मा, श्री पीयूष चतुर्वेदी, श्री दीपक शर्मा आदि द्वारा कराया गया। कार्तिक मास में धनतेरस पर्व पर भगवान श्री धन्वंतरी के जन्म दिवस के अवसर पर पूजन किया जाता है। इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी भी कहते हैं। दिवाली के पहले धनतेरस के दिन भगवान महाकाल का विधिवत पूजन किया गया। इस दिन सुख समृद्धि और आरोग्य के लिए विधिवत पूजन अर्चन विगत कई सालों से किया जा रहा। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर श्री नीरज सिंह, प्रशासक श्री गणेश धाकड़ ने दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। सबका मंगलमय और सुखमय जीवन की भगवान महाकाल और भगवान धन्वंतरी से कामना की। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।